हेलो दोस्तों, मैं सोनिका और आज मैं आपको बताऊंगी कि फोन से कैसे जाने की लड़की आपको लाइन दे रही है। दोस्तों देखो, फोन पर किसी इंसान की फीलिंग्स को जानना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता ही है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो आसानी से पता कर सकते हो कि लड़की आपको लाइन दे रही है। लाइन मतलब कि उसके दिल में आपके प्यार की घंटी बज चुकी है। नॉर्मली लड़कों की बात करें, लड़के जब किसी लड़की को लाइक करने लगते हैं तो उनके लाइन देने का तरीका हर किसी को पता चल जाता है कि लड़के ऐसा नहीं करते हैं। वो थोड़ी सी छुपी रिस्म टाइप की होती है, अपनी फीलिंग्स को जल्दी जाहिर नहीं करती, जताती नहीं है। तो ऐसे में लड़के उनको लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि लड़की लाइक करती है कि नहीं करती, लाइन दे रही है नहीं दे रही है। तो ये वीडियो खास आपके लिए, अगर आपकी लड़की से बातचीत होती है फ़ोन के जरिए, आप कैसे पता कर सकते हो कि कोई लड़की आपको लाइन दे रही है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि वो आपको लव इमोजीज वगैरह सेंड करने लगती है। दोस्तों देखो, आपने नोटिस करा होगा कि जब हम किसी से चैटिंग करते हैं, चैटिंग के दौरान अगर हम लव इमोजीज वगैरह सेंड करते हैं, जैसे कि हार्ट वाले इमोजीज भेजना, ठीक है, लव बाइट वाले इमोजीज भेजना, ठीक है, या स्माइली भेजना, तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को सोचने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं कि आप कौन सा इमोजी भेजो, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ उस टाइम पे हमारे माइंड में चल रही होते हैं। ठीक है, जैसा मूड होता है या जो चीज़ हम फील कर रहे होते हैं, हम उसी टाइप का इमोजी भेजने की कोशिश करते हैं। तो सेम ये चीज़ अगर लड़की आपके साथ कर रही है, अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे लव इमोजी वाले आपको इमोजी सेंड कर रही है, बात से आप पता कर सकते हो कि उसके दिल में आपके प्यार की घंटी बज चुकी है और कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्ट तरीके से आपको लाइन दे रही है या फिर आपको समझाने की कोशिश कर रही है कि आप उसे प्रपोज करो। इसके अलावा दूसरी बात है कि जब वो आपके मैसेज या कॉल का फास्ट रिस्पॉन्स करें। दोस्तों देखो, हर इंसान के साथ ऐसा होता है कि अगर कोई किसी से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो ना तो उसकी कॉल रिसीव करने की कोशिश करेगा, कि कॉल रिसीव करेगा, ना ही मैसेज का रिप्लाई करेगा, क्योंकि वो बहाने बनाएगा। इन केस कॉल रिसीव भी कर लेता है तो वो ये बहाने बनाएगा, यार काम में बिजी था, इस कॉल देख नहीं पाए, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाया, बहुत टाइम था, मतलब टाइम नहीं मिला, ये चीज़ बहाने बनाते हैं अक्सर लोग, ठीक है। लेकिन अगर एक लड़की इस तरीके के बहाने नहीं बना दिया, आपके मैसेज का, आपके कॉल का तुरंत रिप्लाई कर दिया, फास्ट रिप्लाई कर दिया, तो इस बात से आप पता कर सकते हो कि उसके दिल में ज़रूर आपके लिए फीलिंग्स हैं और कहीं ना कहीं आपको लाइन दे रही है। इसके अलावा अगला पॉइंट ये भी होता है कि अगर एक लड़की आपके साथ बात करते समय, ठीक है, पूरी तरह से डिटेलिंग में आपको हर एक चीज़, हर एक बात बताने की कोशिश करती है कि वो यहाँ गई फिर यहाँ हुआ, यहाँ गई थी फिर ये काम किया, ठीक है, तो भी आप पता कर सकते हो कि वो आपको पसंद करती है या फिर वो आपको हर तरीके के बारे में बताने की कोशिश करे, जैसे पर्सनल बात कोई हो, ठीक है, पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, तो भी आप पता कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट ये भी होता है कि जब वो और अपनी बातों को थोड़ा सा लंबा खींचने की कोशिश करें। दोस्तों देखो, अक्सर अगर हम किसी से फ़ोन पर बात करते हैं और सामने वाला पर्सन ऐसा हो जैसे बात करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम जो है ना जल्दी जल्दी बातों को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं या बहाने भी बनाते हैं, अच्छा मुझे ये काम था बाद में बात करूँगा, ठीक है कल बात करते हैं फिर बात करते हैं, इस तरीके के बहाने बनाएंगे। लेकिन जब हम किसी में इंटरेस्टेड होते हैं ना, तो हम बार बार अपनी बातें निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बातों को लंबा खींचने की कोशिश करते हैं ताकि सामने वाला पर्सन हमसे बात करता रहे। तो सेम ये चीज़ अगर लड़की आपके साथ कर रही है, अपनी बातों को थोड़ा सा लंबा खींचने की कोशिश करती है, लंबी लंबी बातें आपसे कर रही है, ठीक है, तो इससे आप पता कर सकते हो कि कहीं ना कहीं वो आपको लाइन दे रही है। आप उसको समझो, उसके दिल की बात जानने की कोशिश करो, क्योंकि लड़कियाँ इसी तरीके से अपने दिल की बात बताती हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।